नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल देसी हिंदी टिप्स में स्वागत है। और आज हम जानेंगे ऐसे तीन नुस्खों के बारे में जिनके नियमित सेवन से आंखों की जलन, कम दिखना, पानी आना, आंखों की सूजन, मोतियाबिंद, पलकों के बाल उड़ना आदि आंखों की समस्त समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। इन नुस्खों में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी। अगर आपको भी आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या है या आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो दोस्तों, जो ज्ञान मेरे पास है, चाहे वो किसी भी बारे में और शरीर को निरोगी और स्वस्थ रखने के लिए जो ज्ञान मेरे गुरुजी ने मुझे दिया, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो डेली अपडेट्स के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको अपने आप पता चल जाए। दोस्तों, एक तरफ अगर टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है तो दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी ने हमारा स्वास्थ्य भी छीना है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे बच्चों के साथ और हमारी आंखों की रोशनी के साथ मोबाइल फोन, कंप्यूटर और टेलीविजन ने किया है। एक समय था जब 80 साल की उम्र में होने के बाद भी चश्मा नहीं चढ़ता था, और एक आज का समय 5 साल के बच्चों को भी चश्मा चढ़ जाता है। तो आइए बात करते हैं पहले नुस्खे के बारे में। इसके लिए आपको त्रिफला चूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भाई को नहीं पता है कि त्रिफला चूर्ण क्या होता है तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दिया है, चेक कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप त्रिफला चूर्ण की एक चम्मच ले और 250 ग्राम पानी में मिलाकर रात को रख दे। इसके लिए आप तांबे का या मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग करें। पूरी रात पानी में त्रिफला रहने से इसके औषधीय गुणों में बदलाव होकर पानी में घुल जाते हैं। सुबह होने पर आप इस पानी को किसी सूती कपड़े की सहायता से छान लें और आंखों को धोएं। इससे जो गंदगी, जो जाला आपकी आंखों में घर बनाए फंसा है, वह धीरे धीरे बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपकी रोशनी का तौर बढ़ जाएगा। दूसरा नुस्खा, इस योग के लिए आपको त्रिफला और शहद की जरूरत पड़ेगी। शहद आपका देसी हो तो सबसे अच्छा होगा। अगर आप शहर में रहते हो और गांव का कोई व्यक्ति आपकी पहचान का हो तो वो आपको देसी शहद दिला सकता है। देसी शहद नहीं है तो फिर पतंजलि का शहद बेस्ट है। आप 500 ग्राम शहद ले आइए, बहुत रहेगा। ये ऑनलाइन भी मिलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सुबह सुबह खाली पेट आधी से एक चम्मच त्रिफला चूर्ण और आधी से एक चम्मच शहद की मिलाकर अच्छे से खाए। इसके सेवन के एक घंटे तक कुछ ना खाए पिए। तीसरा नुस्खा, अगर आपके पास नीम पर लगी हुई मधुमक्खी का शहद है तो आप इसे सुरमे की सहायता से आँख में डालें। आँख की सूजन में यह शहद चमत्कार की तरह काम करता है। नीम का शहद थोड़ा काला और जमा हुआ होता है, जैसे घी जम जाता है। ये इसकी खासियत है जो बाकी शहद में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है। दोस्तों, आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये तीन नुस्खे आपकी समस्या को जल्दी ही दूर कर देंगे। और अगर किसी को अपना चश्मा उतरवाना है तो बताए हुए नुस्खों के साथ रोज सुबह आधे से एक घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। 1 से 2 महीने में ही आपको फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी तीन नुस्खे आंखों की समस्या के बारे में, जिसकी जानकारी मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।